मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो ये वीडियो मैं एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए बना रहा हूँ। एमए प्रीवियस का फोर्थ पेपर जिनका कल एग्ज़ाम है, हालांकि मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया आप उसी तरह से करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। कल पेपर है सभी छात्रों का, तो सेक्शन बी को लेकर के बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो उसमें मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोइट्री है, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, तो इसमें दिक्कत करने की कोई बात है नहीं। दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। जिन छात्रों को दिक्कत हो रही है मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोइट्री लर्न करने की, उन्हें इसमें पॉइंट इस तरह से बनाने चाहिए कि इसमें अर्नोल्ड ने ओड पोइट्री के बारे में क्या कहा है। अब ओड पोइट्री के बारे में आप विलियम कोलिंस को लेकर के, विलियम कोलिंस की ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग के बारे में लिख सकते हो, जॉन किट्स की ओड टू मेलनकली, ओड टू इवनिंग, ओड टू ग्रेशन अर्न के बारे में लिख सकते हो, पी बी शैली की ओड टू वेस्ट विंड के बारे में लिख सकते हो, इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हो। एलेजी कवियों की बात करता हूँ तो थॉमस ग्रे की आपने पढ़ाई है, थॉमस ग्रे की कविताओं के बारे में आप लिख सकते हो, इटोन कॉलेज के बारे में, डेथ ऑफ फेवरेट केट के बारे में लिख सकते हो। फिर इसके बाद में लिरिकल बैलेड कविताएं एस्टी कोलरिज की और विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं के बारे में लिख सकते हो। और फिर एस्टी कोलरिज की जो कविताएं हैं जिसमें क्रिस्टा बेला आपने पढ़ी है, कुबला खान पढ़ी है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर पढ़ी है, उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट को बता सकते हो। और रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविताएं ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बता सकते हो। तो एक तरह से बहुत सारा मैटर है आपको इसको लिखने में, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आप इसमें अच्छा मैटर तैयार कर सकते हो। और जिसने अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बिंग अर्नेस्ट कर सकते हो। बहुत बहुत छोटा नॉवल है, 3 एक्ट में लिखा गया नॉवल है, प्ले है ये। और इसमें जो अर्नेस्ट रहता है उसी का नाम जेक रहता है, जेक का नाम ही अर्नेस्ट रहता है। तो यहाँ पे जेक और अर्नेस्ट दोनों रहता है। जब वो गाँव जाता है तब अपना नाम जेक रख ले, जब वो शहर जाता है तब अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है, और जब गाँव रहता है तब वो जेक रख लेता है। और वो अपने मित्र एलिंगोर से मिलने के लिए जाता है, तो एलिंगोर की बहन से वो प्रेम करता है, और एलिंगोर जो है वो एक सिसिलिया नाम की जो इसकी कजिन रहती है उससे प्रेम करता है। तो ये आपस में एक लव ट्राइंगल का एक प्ले है जिसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है ऑस्कर वाइल्ड ने, और इसमें लव और रोमांस को बताया है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके बरस के नंबर आएंगे। आप इसमें अ टेल ऑफ टू सिटीज और प्राइड एंड प्रेजुडाइस दोनों अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। टेल्स ऑफ डी अबरवेल जिसको याद है वो भी अच्छा, तीनों के तीनों जो क्रिएशन है वो अच्छी है। जैसा कि मैंने बताया, अ टेल ऑफ टू सिटीज में लंदन की और इंग्लैंड की सेटिंग है। इसमें मूल कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर डॉक्टर मैनेट रहता है जो कि फ्रांस में रहता है, और उसका नौकर रहता है अर्नेस्ट डिफार्ज। वहाँ पर एवरमांड के भाइयों के द्वारा एक स्त्री का रेप करने पर वहाँ पर डॉक्टर मैनेट को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मैनेट जो रहते हैं उनको जब इस बात का पता चल जाता है कि उस के साथ क्या हुआ, तो कानून मंत्री को शिकायत कर देते हैं। कानून मंत्री एवरमांड के भाइयों से मिला हुआ रहता है, और एवरमांड के भाइयों को जब पता चलता है तो डॉक्टर मैनेट को बेलियल जेल में डाल दिया जाता है। डॉक्टर मैनेट की एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है लूसी, तो मिसिज मैनेट उसे लेके चली जाती है क्योंकि डॉक्टर मैनेट मिलते नहीं है, तो वो लंदन चली जाती है। और लंदन में जाने के बाद वो लूसी को कुछ समय बाद उसकी मां खत्म हो जाती है, तो जार्विस लोरी जो टेंशन बैंक का कर्मचारी है उसकी जिम्मेदारी वो मिस प्रोस को देता है। और इस तरह से लूसी एक युवा लड़की के रूप में उभर के सामने आती है जो प्रेम करने लग जाती है सिडनी कार्टर से और चार्ल्स डार्ने से। चार्ल्स डार्ने से वो प्रेम करती है। चार्ल्स डार्ने एवरमांड के भाइयों का ये भतीजा रहता है जो कि इंग्लैंड में रह के फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है। लूसी के उसके संपर्क हो जाते हैं, लूसी फिर उसे शादी कर लेती है, अपने पिता चार्ल्स डार्ने को भी बचा के ले आती है क्योंकि अर्नेस्ट डिफार्ज के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि डॉक्टर मैनेट मिल चुका है, तो लूसी और जार्विस लोरी उसे जाके लेके आ जाते हैं। और फिर अंत में यहाँ पर ये रहता है कि सिडनी कार्टर जो रहता है वो बलिवेदी पे चढ़ जाता है और वह चार्ल्स डार्विन को बचाता है, इस तरह से एक सेक्रीफाइस करता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा क्रिएशन है, आप इसमें बहुत अच्छा मैटर लिख सकते हो। और इसमें प्राइड एंड प्रेजुडाइस में जेन ऑस्टिन की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। 5 बहनें हैं इसमें, हालांकि कैरेक्टर बहुत सारे हैं इसमें, 5 बहनें हैं इसमें, 5ों बहनें जो रहती है इसमें, चार्ल्स बिंगले रहता है और डार्सी रहता है। चार्ल्स बिंगले की 2 बहनें रहती है जिसमें एक विवाहित रहती है, एक अविवाहित रहती है, और
डार्सी चार्ल्स बिंगले जो है बड़ी बेटी जेन से प्रेम करती है और एलिजाबेथ जो रहती है वो डार्सी से प्रेम करती है, लेकिन डार्सी उसकी इंसल्ट कर देता है इसलिए वो उसके विपरीत हो जाती है और जेन जो है वो बिंगले से प्रेम करता है, लेकिन बिंगले की बहनें जो है वो जेन को पसंद नहीं करती है और वो उसे लेकर लंदन चली जाती है। फिर दोनों बहनें अपने चाचा मिस्टर और मिसेस गार्डनर के आमंत्रण पर लंदन जाती है और वहाँ जा करके उनको ढूंढती है तो चार्ल्स बिंगले भी मिल जाता है, डार्सी भी मिल जाता है। इसमें विलन के रूप में विकम रहता है। विकम जो रहता है वो पहले एलिजाबेथ को भड़काता है चार्ल्स डार्सी के खिलाफ, लेकिन फिर बाद में एलिजाबेथ को इसका हकीकत का पता चल जाता है कि विकम जो है वो कौन है, और विकम उसकी बहन लीडिया को लेके भाग जाता है जिसको बचाने का प्रयास डार्सी के द्वारा किया जाता है। और जब इस बात का पता एलिजाबेथ को चलता है तो वो डार्सी के प्रति झुक जाती है। तो इसमें बहुत सारे लव ट्रायंगल है, इसमें मिस्टर हर्स्ट का परिवार भी है, इसमें मिस्टर क्या नाम है गार्डिनर है, और यहाँ पर इन पाँचों बहनों के जो क्या नाम है जो फैमिलीज है बिंगले फैमिली और यहाँ पर मैनेट फैमिली, ये दोनों के दोनों परिवार है यहाँ पे, और कोलिंस नाम का एक कजिन रहता है जो इन पाँचों बहनों के पिता जो रहते हैं मैंने उनका रिश्तेदार रहता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा उपन्यास है ये, इसके बारे में भी आप अच्छे मैटर लिख सकते हो। याद रखना चाहे आप चाहे प्राइड एंड प्रेजुडाइस लिखे चाहे टेल ऑफ टू सिटीज लिखे, लेकिन इंट्रोडक्शन राइटर पोइम थीम प्लॉट समरी और कैरेक्टर ये जरूर लिखे आप इसको। जब आप इसको लिखे अ टेस्ट ऑफ डियर बेस बहुत अच्छी क्रिएशन है जिसने याद किया है, क्योंकि टेस्ट नाम की लड़की की एक स्ट्रगल है किस प्रकार उसका रेप हो जाता है और किस प्रकार वह एलेक के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, फिर एलेक दोबारा उसके जीवन में आ जाता है और किस तरह से टेस्ट यहाँ पर स्ट्रगल करती है उसकी कहानी को बताया गया है। लेकिन याद रखिए मैं सेक्शन ए के बारे में बता रहा हूँ। सेक्शन ए में ध्यान दें सभी स्टूडेंट और ध्यान से सुने, इसमें स्प्रिंग एंड फॉल, कैरियन कम्फर्ट, गोड ग्रैंडवेयर और इसमें वाइंड ओवर, ये चार कविताएं महत्वपूर्ण है। चारों में से एक्सप्लेनेशन आएगी और इन चारों में से किसी एक के क्रिटिकल अप्रिसिएशन आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मेरी शुभकामनाएं है। लास्ट पेपर है, अच्छी तरह देख आना, पूरा टाइम लेना, पूरा का पूरा टाइम लेकर के आप इसे करोगे। और एक बात जरूर ध्यान में रखें, जैसे आपको कॉपी मिले आप जो है वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और ड्रामा से और नोवेल से इसकी शुरुआत करें, आपका पेपर अच्छा जाएगा, मेरी शुभकामनाएं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।